76,724 लोग उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। संक्रमित लोगों में से कुल 2,120 लोगों की मृत्यु हुई है और कल प्रदेश में 91,020 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक जो कुल मिलाकर टेस्टिंग हुई है, अब आज हमारा आंकड़ा 32,00,000 पार हो गया। प्रदेश में अब तक कुल 32,09,587 टेस्ट किए जा चुके हैं। पूल टेस्ट के माध्यम से पांच पांच सैंपल के 2,984 पूल लगाए गए थे कल। इनमें 511 में पॉजिटिविटी आई थी और 10-10 सैंपल के 177 पूल लगाए गए थे जिनमें 15 में पॉजिटिविटी देखी गई थी। आरोग्य सेतु ऐप से जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुआ है उनमें से अब तक हम 7,83,503 लोगों को अपने स्टेट मुख्यालय से कॉल कर चुके हैं। यह कॉलिंग सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का कंट्रोल रूम है, स्टेट कंट्रोल रूम है, वहां से किया जाता है। आप जानते हैं कि हमारा हेल्पलाइन का नंबर 1800-180-5145 है और किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी करनी हो कोविड के बारे में, कोई मन में शंका हो रही हो, तो आप इस हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं। जो कुल हमारे प्रदेश में जो एक्टिव केसेस हैं 47,878, इनमें से 19,635 लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही। ये लक्षण विहीन लोग हैं जिनके घर पर होम आइसोलेशन की व्यवस्था है, ये अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और एक निश्चित अवधि के पश्चात, जो 10 दिन की अवधि होती है, इसके पश्चात हम इन्हें स्वस्थ मानते हैं क्योंकि इनकी इन्फेक्टिविटी समाप्त हो जाती है। जो लोग लक्षण विहीन होते हैं सो 10 दिनों के पश्चात उनमें इन्फेक्टिविटी नहीं रहती। अब तक होम आइसोलेशन में 32,774 लोग जा चुके हैं जब से यह सुविधा प्रदेश में प्रारंभ हुई, और 32,774 लोगों में से 13,139 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहां भुगतान के आधार पर लोग अपना इलाज करवाते हैं उनमें आज की तारीख में 1,500 लोग हैं और वो अपनी चिकित्सा प्राइवेट अस्पतालों में भुगतान के आधार पर करवा रहे हैं। जो हमारे सेमी पेड फैसिलिटीज हैं, जहां की होटल्स में रहने की व्यवस्था है, जो लक्षण विहीन लोग हैं और वो अपना वहां रहते हैं, अपना भुगतान करते हैं रहने और खाने का, और उनके चिकित्सा की व्यवस्था जो है वो सरकार की ओर से वहां की जाती है। एक सेमी पेड व्यवस्था भी आप जानते हैं प्रदेश में है और उसमें इस समय 196 लोग वहां रह रहे हैं। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 51,110 इलाकों में कंटेनमेंट एक्सरसाइज हुआ है जिसमें 2,33,726 टीम दिवस के माध्यम से 1,65,11,267 घरों को सर्वेलेंस में लिया गया है। सर्वेलेंस एक्टिविटी वहां की गई है और इन 1,65,11,267 घरों में 8,31,19,407 लोग रहते हैं। इतने लोगों के बीच में सर्वेलेंस की एक्टिविटी की गई है। सर्वेलेंस की एक्टिविटी हमारी निरंतर चल रही है और इसके लिए शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग टीमें बनी हुई हैं और वो टीमें जाकर के जहां भी केस निकलते हैं कंटेनमेंट जोन्स में और जहां केस नहीं निकलते वहां पर भी लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। जहां केस निकलता है वहां कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, हर एक व्यक्ति के हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट को पूछा जाता है, उनके संपर्कों को पूछा जाता है और उन्हें अगर आवश्यकता होती है, अगर उनमें कोई लक्षण होते हैं तो उनकी तत्काल जांच भी करवाई जाती है। होम आइसोलेशन का जो है एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसका एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया, एक शासनादेश जारी किया गया। होम आइसोलेशन के लिए जो जिले की रैपिड रिस्पॉन्स टीम है उसको आपके घर आना होता है और घर आने के पश्चात जो व्यक्ति संक्रमित हुआ है उसके वो घर की जांच करती है कि वहां
होम आइसोलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं है, और साथ ही उनको उस व्यक्ति की भी जांच करनी है कि वो होम आइसोलेशन के योग्य है या नहीं है। अगर वो उनके योग्य नहीं है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। अगर होम आइसोलेशन के योग्य हैं तो फिर उन्हें जो अगले 10 दिन के लिए दवाइयां चाहिए, दवाइयों का एक पूरा पैकेट उन्हें उपलब्ध करवाना है। जो RRT जाएगी, रैपिड रिस्पांस टीम, वो उनको बताएगी कि किस प्रकार से दवा को खाना है, दवाओं का सेवन करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, उनका तापमान लेगी, उनके पल्स ऑक्सीमीटर से उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच की जाएगी। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो जो रोगी हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका आप सबों को ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जो संक्रमित हुए हैं उनके परिवार वालों को उनमें संक्रमण न फैले, इसके लिए हम कुछ दवाएं भी उनको हम देते हैं। एक तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, जो कि 15 साल से ऊपर के लोग या जिनको कोई हृदय की बीमारी इत्यादि न हो उनको वो दी जाती है, 15 साल से छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में भी वो बताएंगे, आपको देंगे। और एक दूसरी दवा हमने और अभी शुरू किया है, वो आइवरमेक्टिन है, उसका भी आदेश हो गया है। और आइवरमेक्टिन भी जो परिवारीजन हैं उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उनकी स्थिति के अनुसार और आइवरमेक्टिन दी जाएगी। इसको आप लोग जरूर लें, इसको लेने से जो संक्रमण की जो संभावना रहती है उसमें काफ़ी कमी हो जाती है, तो आप संक्रमित होने से इससे बचते हैं। अगर आपके घर में भी संक्रमण हुआ है, अगर आप इसको लेते हैं तो उसकी संभावना घटती है कि आप संक्रमित हो। तो इस प्रकार से जो होम आइसोलेशन में लोग जा रहे हैं उनके लिए एक पूरी व्यवस्था है, और उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो अपने होम आइसोलेशन में हैं, घर में हैं, तो बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वो भी उसके लिए कुछ पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं, जिसमें वो भी उनके बारे में हालचाल पूछते रहते हैं। हमारे इंटीग्रेटेड सेंट्रल कमांड सेंटर से भी उसमें लोगों का हालचाल पूछा जाता है। तो जहां भी आपको जैसे ही लगे कि आपकी तबीयत में कुछ गिरावट हो रही है, अगर आपको लक्षण आने लग जाएं, कुछ और आपको लगे, तत्काल सूचित करिए, और सूचित करके फिर आप घर में उस समय फिर न रहिए, आप अस्पताल चले जाएं। क्योंकि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, लक्षण रहित हैं, तभी आप वहां रहिए और आप बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ करके स्वस्थ हो जाएंगे, फिर आप अपने काम धाम करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में लक्षण आ रहे हैं तो आप उसको घर में न रहिएगा, आप उसमें सूचना दे करके अपने कमांड सेंटर को, जिले के या मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हैं उनको सूचना दे करके उपयुक्त स्तर के अस्पताल में तुरंत आप भर्ती हो जाएं, ताकि आपकी समय से चिकित्सा हो और आप बिल्कुल स्वस्थ होकर घर लौटें। ध्यान रहे कि इसमें इस संक्रामक बीमारी का अभी कोई न तो इलाज है, एक कोई निश्चित इलाज है, न ही कोई एक इसकी वैक्सीन है। इसके जो इलाज होता है लक्षणों के आधार पर होता है, और अगर लक्षण आ रहे हैं, अगर आप जल्द से जल्द अस्पताल चले आते हैं तो लक्षणों के आधार पर आपका इलाज हो जाता है। अगर आप विलंब करते हैं तो फिर उसमें जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। तो चूंकि वैक्सीन भी नहीं है और कोई एक बिल्कुल निश्चित इलाज भी नहीं है, इसलिए हमें सावधान रहकर, सतर्क रहकर इससे अपना बचाव करना है, संक्रमित नहीं होने देना है अपने को भी और अपने परिवारजनों को भी, अपने मित्रों को भी हमें संक्रमण से बचाना है। और इसके लिए अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहना, अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थल पर मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढककर रखना, और सामाजिक दूरी बनाना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना। जहां भी हम जाएं लोगों से हम 2 गज की दूरी बरकरार रखें, इससे हम संक्रमण से बच सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, संक्रमण से बचिए और प्रसन्न रहिए। अब तक कुल मिलाकर 76,724 लोग उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। संक्रमित लोगों में से कुल 2,120 लोगों की मृत्यु हुई है, और कल प्रदेश में 91,020 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक जो कुल मिलाकर टेस्टिंग हुई है
अब आज हमारा आंकड़ा 32 लाख पार हो गया। प्रदेश में अब तक कुल 32 लाख 9,587 टेस्ट किए जा चुके हैं। पूल टेस्ट के माध्यम से पांच पांच सैंपल के 2,984 पूल लगाए गए थे कल। इनमें 511 में पॉजिटिविटी आई थी और 10-10 सैंपल के 177 पूल लगाए गए थे जिनमें 15 में पॉजिटिविटी देखी गई थी। आरोग्य सेतु ऐप से जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुआ है उनमें से अब तक हम 7,83,503 लोगों को अपने स्टेट मुख्यालय से कॉल कर चुके हैं। यह कॉलिंग सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का कंट्रोल रूम है, स्टेट कंट्रोल रूम है, वहां से किया जाता है। आप जानते हैं कि हमारा हेल्पलाइन का नंबर 1800-180-5145 है और किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी करनी हो